जब 50 युवा आकर बलराज के चारों तरफ बैठेंगे, मैं नहीं मानता कि बलराज कुछ गलत कर देगा, उसकी हिम्मत हो जाएगी। सबसे पहला विरोधी मैं होगा, रविंद्र मलिक हरियाणा होगा। बलराज कुंडू के खिलाफ अगर बीजेपी के साथ हाथ मिलाया, अगर समाज को धोखा दिया, तो रोड पर मैं बैठूंगा इसकी गाड़ी के आगे। अभी हम चरखी दादरी में मौजूद हैं और आज फिर बलराज कुंडू ने एक बार फिर चरखी दादरी में रैली की है। पहले जींद में की थी, अब चरखी दादरी में। क्यों लगातार हरियाणा के अंदर नई पार्टियां बन रही हैं, आखिरकार क्या कारण है कि बीजेपी सरकार जिस तरीके से दावे कर रही थी, क्या वो दावे पूरे नहीं कर पा रही है, इसलिए मतलब युवाओं का गुस्सा है और नए तरीके से जो पार्टियों का ऐलान हो रहा है, आप कैसे सोचते हैं भाई साहब? देखिए, हमने बीजेपी को देखा, कांग्रेस को देखा, एक बड़ी उम्मीद के बाद परेशान होके नरेंद्र मोदी को इस देश के अंदर युवा लेके आया था, मगर उम्मीद तो पूरा होना दूर की बात है। इस बीजेपी ने इस देश को धर्म के नाम पर बांट दिया, हरियाणा को इन्होंने जाति के नाम पर बांट दिया। भ्रष्टाचार चरम पे है। आप किसी भी तहसील में चले जाइए, NOC के नाम पर लाखों रुपये का रिश्वत ली जाती है। बेरोजगारी चरम पे है, हर युवा बेरोजगार है, चाहे कितना भी पढ़ा लिखा है। किसान रोड पे है, महंगाई आसमान छू रही है। महंगाई, सिलेंडर 300 रुपये का बिकता था, 350 रुपये का बिकता था, 1200 रुपये तक सिलेंडर बिकने लगा, लोगों ने सिलेंडर जलाना बंद कर दिया। और ये लोग राष्ट्रवाद के नाम पे लोगों को बेवकूफ़ बना के वोट लेते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, राष्ट्रवाद होता क्या है? राष्ट्रवाद होता है जनता को सुविधाएँ देना, जनता को महंगाई से बचाना सबसे बड़ा राष्ट्रवाद है, जनता में भाईचारा बनाना सबसे बड़ा राष्ट्रवाद है। जो ये काम बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, ये उल्टा कर रहे हैं, ये राष्ट्रवादी लोग नहीं है। ये देशद्रोह है, जनता को धर्म के नाम पर बांटना और जाति के नाम पर बांटना देशद्रोह है। ये चरखी दादरी में जो रैली की है अभी बलराज कुंडू ने, क्या लगता है कोई विकल्प होगा हरियाणा में, या कैसे मतलब इसको कैसे देखते हैं? देखिए, मैं सोनीपत हरियाणा से हूँ। खुशी की बात यह है कि जो आक्रोशित युवा एक उम्मीद के साथ कभी बीजेपी को सपोर्ट करता था, कभी कांग्रेस को सपोर्ट करता था, कभी देवीलाल के पोते से उम्मीद कर ली, जिसने बहुत बड़ा धोखा दिया है इस समाज को, किसान को, मजदूर को, एक तरह से पूरे समाज को बेच दिया उस आदमी ने, तो एक बार फिर एक उम्मीद बनी है। क्योंकि ये दुनिया है और दुनिया में उम्मीद कायम रहती है। बलराज कुंडू पूरे हरियाणा की एक उम्मीद बनकर आया है कि भाई भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा हो सकता है, व्यवस्था परिवर्तन हो सकता है, और उसका एक ही साधन है, ठीक है, माध्यम बलराज कुंडू है। माध्यम हरियाणा जनसेवक पार्टी बनेगी, मगर जो आक्रोशित युवा आज घर में बैठा है, आंदोलन कर रहा है, जो किसान का बेटा परेशान बैठा है घर पे, दुकानदार का बेटा परेशान बैठा है, मीडिया कर्मचारी परेशान बैठा है, या कर्मचारी परेशान बैठा है, हमारा उनसे एक ही संदेश है, आइए, एक मौका है, एक आंदोलन है हरियाणा जनसेवक पार्टी जनसेवा करने का, व्यवस्था परिवर्तन करने का। जब तक राजनीति नहीं करेंगे किसान के बेटे, जब तक राजनीति नहीं करेगा मजदूर का बेटा, जब तक अराजनीतिक परिवारों से युवा राजनीति में नहीं आएंगे, तब तक व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा। महंगाई चरम पे है, बेरोजगारी चरम पे है, उसके बाद भी 2024 से पहले जो चुनाव था, जब जननायक जनता पार्टी बनी थी और वो भी इसी तरीके से दावे कर रही थी, चुनाव से पहले तो सभी पार्टियां दावे करती हैं, नेताएं दावे करते हैं, लेकिन जनता त्रस्त है। पहले भी और आज के दौर में अगर देखें तो दिन प्रतिदिन वो चीज़ें बढ़ रही हैं। आज ये बात सही है, जनता उस दिन भी परेशान थी, जनता आज भी परेशान है, जनता को JJP से भी उम्मीद थी, जनता को अब भी किसी से उम्मीद है। तो वही जो आपने बोला, वही बात मैं कहना चाहता हूँ कि ठीक है, एक आदमी ने हमारे को देवीलाल के नाम पे धोखा दे दिया, थोड़ा और परखो बलराज कुंडू को, देखो कि वो क्या कर रहा है। किसी ने नहीं देखा कि दुष्यंत ने क्या किया। दुष्यंत ने कोई सामाजिक काम तो किया नहीं था, एक नाम था, ब्रांड था, चौधरी देवीलाल का पोता था, लोगों ने सोचा कि हो सकता है देवीलाल का खून है, वफा करे मजदूर से, किसान से, देवीलाल बन हो दोबारा। मगर मैं जनता को एक विश्वास दिलाना चाहता हूं, क्योंकि 5-4 साल हो गए बलराज कुंडू को MLA रहते हुए, उसको पब्लिक ने परखा है, तो एक उम्मीद हम बलराज कुंडू से लगा सकते हैं हरियाणा जनसेवक पार्टी से। ना हो कल को बीजेपी के साथ ही हाथ मिला ले, या कांग्रेस के साथ में हाथ मिला ले, या किसी के साथ, वही मतलब। अगर वैसे तो ये होगा नहीं कि बलराज कुंडू बीजेपी के साथ जाए या हरियाणा जनसेवक पार्टी बीजेपी के साथ जाए। अगर कल को ऐसा होता है, सबसे पहला विरोधी मैं होगा, रविंद्र मलिक हरियाणा होगा। बलराज कुंडू के खिलाफ अगर बीजेपी के साथ हाथ मिलाया, अगर समाज को धोखा दिया, तो रोड पर मैं बैठूंगा इसकी गाड़ी के आगे, ठीक है ना? मतलब आपको उम्मीद है कि लोगों की मेरे उम्मीदों पर खरा उतरेंगे? पूरे हरियाणा के युवा को उम्मीद है कि बलराज भाई खरा उतरेगा। ये बलराज कुंडू की भी लड़ाई नहीं है,
हम तो ये कह रहे हैं, बलराज कुंडू ये कह रहा है, ये ना जेजेपी ने कहा, ना दुष्यंत ने कहा, ना किसी ने कहा आज तक। ये हम तो ये कह रहे हैं पूरे गांव से, पूरे मोहल्ले से, पूरे शहर से कि भाई गांव में पंचायत कर लो। कौन युवा है जो इस व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई में आहुति देना चाहता है? वो भगत सिंह, वो सुभाष चंद्र बोस, वो पटेल, वो लाल बहादुर शास्त्री दोबारा लौट कर आ रहे हैं। गांव में मिलेंगे, शहर में मिलेंगे, मोहल्ले में मिलेंगे। उनकी उम्मीद को पूरा करने के लिए हरियाणा जनसेवक पार्टी है। ये उस अंबेडकर के सपने को भी पूरा करेगी, भगत सिंह के सपने को भी पूरा करेगी, और लाल बहादुर शास्त्री और पटेल के सपने को भी पूरा करेगी। आप खुद आ जाओ, खुद राजनीति करो, किसी पे भरोसा मत करो। जब 50 युवा आकर बलराज के चारों तरफ बैठेंगे, मैं नहीं मानता कि बलराज कुछ गलत कर देगा, उसकी हिम्मत हो जाएगी कुछ गलत निर्णय लेने की। ठीक है भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये युवाओं की राय थी कि जन जो अभी बलराज कुंडू ने नई नई पार्टी शुरू किया। हाँ जी, हाँ जी, क्या कह रहे थे? तो अभी अभी जो पार्टी नई नवेली पार्टी है, अब कितनी सफल हो पाती है तो भविष्य के गर्भ में छुपा है। लेकिन एक मौका कह रही हैं कि इनको देके देखना चाहिए। अब जनता पर डिपेंड करता है, जनता के भरोसे है कि वो इनको कितना मौका दे पाती है। धन्यवाद।